नाज़रीन आदाब, डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड 19 के आज के ताज़ा शुबारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में आज आपको बताना चाहेंगे कि पिछले दो महीनों के बाद, दो ढाई महीनों के बाद अगर हम आज देखते हैं, अगर हम पिछले कुछ महीनों की तरफ नज़र दौड़ाएंगे और देखेंगे कि ये जो कोविड 19 है, कोविड 19 के दौरान जितनी अमवात हुई, अगर हम यकुम मई को देखेंगे तो यकुम मई को जितने हमारे पास केसेस वगैरह थे तो वो थे 47 की डेथ हुई थी। इसी तरह से ये डेथ्स की आवाज़ जो, ये जो डेथ्स की तादाद जो है ये कभी बढ़ती गई कभी घटती गई, लेकिन आज खुशकिस्मती की बात ये है कि आज डेथ्स की तादाद जो है वो सबसे कम है और 11 डेथ्स आज रिपोर्ट हुई है जम्मू कश्मीर में, 5 जम्मू में और 6 कश्मीर में। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में कोविड जो है, कोविड पे पूरी तरह से काबू पाया जाएगा और डेथ्स की तादाद जो है बिल्कुल ज़ीरो तक पहुंच जाएगी। तो केसेस की बात अगर हम करेंगे, केसेस 1184 हुए, 2880 के करीब जो पेशेंट्स हैं वो रिकवर हुए। और बाज़ाब्ता आज के प्रोग्राम में हम आपको तारुफ कराना चाहेंगे जो हमारे आज के मेहमान डॉक्टर साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखे हुए हैं, ये है डॉक्टर मुफ्ती महमूद साहब जो रिनाउंड यूरोलॉजिस्ट है और प्रोफेसर एंड हेड है डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी SMHS अस्पताल GMC श्रीनगर। डॉक्टर मुफ्ती महमूद साहब, आपका खैर मकदम है हमारे शो में। नाज़रीन, आप डॉक्टर साहब के साथ कोई भी इशू जो है, कोई भी मामला जो है, उस सिलसिले में आप बात कर सकते हैं, लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है सर्जरी इन कोविड 19, उसी हवाले से सवालात पूछे जाएं। और हमारे जो आज के मेहमान हैं डॉक्टर मुफ्ती महमूद साहब, ये रेनाउंड यूरोलॉजिस्ट है, यूरोलॉजी से वाबस्ता जो भी आपका कोई सवाल है वो आप पूछ सकते हैं, जो सर्जरीज के हवाले से आप सवाल पूछ सकते हैं, चाहे वो मैदे की सर्जरी हो, गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो, हेमराइड हो, पेनक्रियाज हो, स्टोमक की सर्जरी हो, या उसके बगैर जो प्रोस्टेट वगैरह की बीमारी है, उस सिलसिले में आपके सवालात आज के इस प्रोग्राम के पर मबनी होने चाहिए। और जो नंबरात आपको हम रोज़ बता देते हैं, एक दफ़ा फिर हम आज वो नंबरात दोहराएंगे। नंबरात हैं 01942481813 और 2481832। सिर्फ गुजारिश हमारी आपसे ये है कि नंबरात डायल करने के दौरान, हमारे साथ बात करने के दौरान अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद करें और जो फोन, जहाँ से आप फ़ोन करेंगे वहाँ ये यकीनी बनाएं कि वहाँ आपके मोबाइल में सिग्नल का होना, 100% सिग्नल का होना लाजमी है ताकि कटिंग्स वगैरह जो है बात में वो दरपेश ना आए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं डॉक्टर मुफ्ती महमूद साहब। चूँकि आप जानते हैं कि जब से पेंडेमिक हुआ कोविड 19 के हवाले से बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश रहे, आपका जो इस वक्त शोबा है जिसकी आप सरबराही कर रहे हैं SMHS अस्पताल में, जो सर्जरी का शोबा है, सर्जरी के शोबे में भी बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश रहे। आवाम जो है, लोग जो हैं, बहुत सारे मामला काम जो है वो मुलतवी किए गए, इवन जो सर्जरीज नॉर्मल सर्जरीज थी वो भी मुलतवी की गई। लेकिन एक हमारे पास एक ख़ास बात ये है कि कुछ लोग ऐसे थे जिनकी सर्जरीज के हवाले से डेट भी फिक्स था और उनसे कहा गया था कि आपकी सर्जरी इस दिन होगी, किसी दूसरे की दूसरे दिन होगी, लेकिन कोविड 19 हुआ किसी पेशेंट को, पेशेंट कोविड 19 में मुबतला हो गया, सारा जो उसका बाकी मतलब इंटेंशन है, बाकी अटेंशन है, वो सारा कुछ कोविड 19 की तरफ चला गया। लेकिन आप ऐसे जो बीमार हैं जिन्होंने आपके पास डेट लिया था, जो आपके पास आए थे सर्जरीज के लिए लेकिन कोविड 19 में मुबतला होने की वजह से वो नहीं कर पाए, उनकी सर्जरीज नहीं हुई, क्या आपके पास मैकेनिज्म है, किस तरह का लाहमल है ऐसे बीमारों के लिए? भैया सब शुक्रिया बहुत बहुत यहाँ पे दावत देने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट सीरीज आप चला रहे हैं कोविड 19 के जरिए से, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम जी। हर एक शोबे में चैलेंजेस शुरू हो गए जब कोविड 19 स्टार्ट हो गया और उसमें सर्जरी पीछे नहीं रहा जी। सर्जरी में बड़े इश्यूज पैदा हो गए। सबसे पहले तो हमें पूलिंग ऑफ स्टाफ करनी पड़ी हॉस्पिटल में, क्योंकि आप जानते हैं कि ये इनिशियली प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी रही डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन और चेस्ट मेडिसिन की जी। लेकिन ये दो डिपार्टमेंट्स जो इनकी स्टाफ स्ट्रेंथ थी, रेजिडेंट स्टाफ स्ट्रेंथ थी जी, वो उतनी नहीं थी जितना पैंडमिक में ज़रूरत थी। तो इसलिए एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया गया कि स्टाफ को पूल किया गया, उसमें से सर्जरी का कोई 40% स्टाफ पूलिंग में चला गया, सो हमारे पास सिर्फ 60% स्टाफ रहा।
उसमें से हमारे बेड्स भी पूलिंग में चले गए। मैंने 3 वार्ड्स हमने जनरल पूल में डाल दिए जहां कोविड पेशेंट्स को रखा गया जी। तो इसके लिहाज से हमारा जो वर्कलोड था वो मैनेजेबल नहीं था विद 60% स्टाफ और विद जो नंबर ऑफ बेड्स कम हो गए जी। दूसरी बात ये थी कि किसी का नहीं पता था, बाय फेस कोई पहचाना नहीं जाता था कि ये कोविड पॉजिटिव है या कोविड नेगेटिव। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल जनाब। तो इसलिए सर्जरी करने के लिए हमें सेग्रीगेशन ज़रूरी थी, क्योंकि अगर हम एट रैंडम पेशेंट्स को थिएटर में लाएंगे, अपने वार्ड्स में लाएंगे, तो क्रॉस इन्फेक्शन के बहुत चांसेस थे। बिल्कुल। तो ये चीज़ रिस्ट्रिक्ट करने के लिए मैन पावर को एसेंशियल एरियाज में तब्दील करने के लिए पूरे वर्ल्ड में सर्जरीज बंद हो गई जी। 2 टाइप्स की सर्जरीज छोड़ के जी। तो इसमें देखा गया कि जो मैलिग्नेंसीज हैं कैंसर पेशेंट्स हैं जी, इनको कोविड की वजह से इंतजार ना करना पड़े। सो ये प्रायोरिटी सेक्टर में आ गए। बिल्कुल। प्लस जो वो पेशेंट जिनकी हम बोलते हैं एसेंशियल इलेक्टिव सर्जरीज, मान लीजिए उनकी ऐसी बीमारी है कि जो महीने 2 महीने में उनके लिए जानलेवा बन सकती है, तो लाइफ सेविंग, सो लाइफ सेविंग इंटरवेंशंस हमने प्रायोरिटी सेक्टर में रखे जी। प्लस जो भी इमरजेंसीज हॉस्पिटल में आती हैं या आती थी तब से भी जी, ट्रामा है या ट्रामा है, एक्यूट इमरजेंसीज है, वो हम रात दिन ऑपरेट करते रहे जी। लेकिन ये एक नया माहौल पैदा हो गया कोविड-19 का, तो इस माहौल के लिए हमें खुद भी बदलना पड़ा, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसे ही बदलना पड़ा ताकि हम ये पैंडेमिक हॉस्पिटल में फैलने ना दें जी। जी, उसमें मैं वजाहत करूंगा कि हमने बैकअप स्टाफ हमें चाहिए था, हमने बैकअप स्टाफ रखा है। मान लीजिए मैं ऑपरेट कर रहा हूँ किसी पेशेंट को और ये अनफॉर्चुनेटली कोविड पॉजिटिव निकलता है और मैं इसके कांटेक्ट में आ गया, सो नेक्स्ट पेशेंट या नेक्स्ट पेशेंट मैं नहीं कर सकता ऑपरेट, मुझे आइसोलेट होना है एज पर द गाइडलाइंस। तो मुझे बैकअप के लिए अपने लिए बैकअप स्टाफ रखना है जो नेक्स्ट पेशेंट को ऑपरेट कर सके या डिलीवर कर सके। इसलिए ये कंटिन्यूस चेन रखने के लिए हमें बैकअप स्टाफ ज़रूरी रखना पड़ता है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मेरे पास 3 ऑपरेशन थिएटर हैं इमरजेंसी में, एक मुझे मखसूस कोविड के लिए रखना पड़ा है ताकि ये मिक्सअप ना हो जाए बाकी इमरजेंसीज के साथ और हम सेग्रीगेट करें इस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को जिनका कोविड है जी। डॉक्टर साहब, आपके साथ और भी हम बात करेंगे, एक वक्फे के लिए हम रुकते हैं। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रास्ता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। नाज़रीन, आप वॉच कर रहे हैं हमारा खसूसी शो डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19 और यहाँ आज दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के स्टूडियो में तशरीफ रखे हुए हैं डॉक्टर मुफ्ती महमूद साहब, जो प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी SMH अस्पताल GMC श्रीनगर और रिनाउंड यूरोलॉजिस्ट हैं। नाज़रीन, आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि हमने नमरात के हवाले से बताया और नमरात जो है नमरात डिस्प्ले भी हो रहे हैं, आप हमारे डॉक्टर साहब से आज बात कर सकते हैं सर्जरी से रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं, जितने भी मामलात हैं, चाहे वो स्टोमक की सर्जरी से रिलेटेड हो, गॉल ब्लैडर के सर्जरी से रिलेटेड हो, हेमराइड हो, पेनक्रियाज या उसके बगैर जो प्रोस्टेट डिजीजेज हैं, उस सिलसिले में भी आप बात कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं, गुलाम जीलानी साहब जो पीरबाग से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलाम जीलानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। वही तो जनाब, क्या छू ऐसा फरमाओ। अहनज अहनज, बिल्कुल जनाब। वालेकुम अस्सलाम। مطلب ہے چون علاج ڈاکٹر صاحب وچ غلام جیلانی تہ خیال دبئی یا صحیح مجھے آج صرف پیشاب ہوتا ہے کہ پروسٹیٹ 7 گرام
سَتتھ گرام وۄنۍ ووت مےٚ واریاہ کال یِم تہِ دۄیہِ تہِ مےٚ چھُ پِشاب نارِ منٛز مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ پِشاب روزان یہِ اوس مےٚ کران عذاب پرٛاسٹرٛیٹ چھُ 70 گرام تۄہہِ ؤنِو مےٚ دَپو پرٛاسٹرٛیٹ چھُ وارَم تہِ ہسا پِشاب وارَس وۄنۍ چھُس بہٕ دوا کھٮ۪وان مٔنٛزۍ وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ وٕنکیٚنَس چھُس بہٕ ہٮ۪کان گٔژھتھٕے کُن جی یہِ غلام جیلانی صٲب چھِ یَژھان زانُن تۄہہِ نِش یُس زَن سوال چھُ تُہٕنٛدی پیشَنٹَس جیلانی صٲب یہِ ہسا یہِ کووِڈ کہِ وجہ سۭتۍ گوٚو بَڑٕ سورُے ڈِسٹٲبٕے پیشَنٹ ڈاکٹر کَنٹیکٹ گوٚو نہٕ پاسِبٕل کینٛہہ یُس یہِ تُہۍ وَنان چھِوٕ یہِ پیٚیہِ رِوِو کَرُن تُہُنٛد کیس تَتھ مُتعلِق پیٚیہِ تۄہہِ مےٚ سۭتۍ رٲبطہٕ قٲیِم کَرُن اگر تُہۍ مےٚ نِش ہیٚکِو نہٕ یِتھ تُہۍ ہیٚکِو مےٚ وَٹسایپَس پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ اِنویسٹِگیشَن سوٗزِتھ یوٗریٖن ٹٮ۪سٹ چھُ اَکھ کَرناوُن بیٚیہِ چھُ اَکھ ریٖسٮ۪نٛٹ اَلٹرٛا ساوُنٛڈ کَرناوُن تہٕ تِمَن چیٖزو سۭتۍ نَنہِ اَسہِ بیسِک یہِ کہِ اوٚوَر دَ ییٲرٕس کیٛاہ چھِ پُزِشَن روٗزمٕژ تُہٕنٛدِ پرٛاسٹیٹٕچ بیٚیہِ پیٚیہِ تُہُنٛد ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ اَسہِ رِلُک کَرُن تَمہِ خٲطرٕ پیٚیہِ تۄہہِ مےٚ سۭتۍ کَنٹیکٹ کَرُن میون نمبر چھُ آلرٔڈی تۄہہِ تُہۍ ہیٚکِو مےٚ وَٹسایپَس پٮ۪ٹھ تہِ پَنٕنۍ فیٖڈ بیک دِتھ تہٕ اِنشاء اللہ أسۍ کَرو تُہُنٛد یہِ مَسلہٕ حَل ایک اور کالر ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہے السلام علیکم آپ اپنا نام بتائیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام بوجس بانڈی پورا پہ اطہر سر اطہر صاحب اہن حظ آ بانڈی پورا پہ فرمایو کیا چھو یسان تو زانن ڈاکٹر صاحب نش ڈاکٹر صاحب میں چھ یہ زانن کہ ان ساتن کووڈ خاطر سیمپل چھ نہ جنا اہن حظ تو ان کی سو سیمپل سو سلائی اس نست مد حظ بران سر اہن حظ یہ چھ بران اتھس مد حظ اہن حظ تو بہ چھس دپان اگر نہ یہ نست مد برابر کی تکیاز کانہہ لکٹ بچہ چھ آسان یا کانہہ لیڈیز چھ آسان تِکیٛازِ نَتہٕ منٛز بَرُن چھُ یہِ واریاہ مُشکِل حظ گژھان تہٕ بہٕ اوسُس دَپان اگر یہِ ٲسَس منٛز بَرہاو تہِ کَمٕے پَہنَس بَرہاو زیادٕ اَندَر بَرہاو نہٕ کیٚنٛہہ یہِ روزِ اَسہِ بہتر یِم چھِ دراصل کَتھ یَژھان کَرُن یِمَن ؤنۍتو وٕچھِو یُس یہِ کووِڈ-19 خٲطرٕ ٹٮ۪سٹ چھُ یِوان کَرنہٕ یُس یہِ وایرَس چھُ یہِ چھُ ییٚلہِ کٲنٛسہِ اِنفٮ۪کٹ چھُ کَران یہِ چھُ گژھان نَکوارٮ۪و کِنۍ أنٛدٕرۍ کِنٮ۪تھ تَتھ چھِ وَنان نیزوفیرِنٛگٕس نیزوفیرِنٛگسہِ جایہِ چھِ یہِ کالَنایز گژھان تٔتی مَلٹِپٕلاے گژھان اِسلیے سۄ چھِ مخصوٗص اَکھ جاے کیونکہِ یہِ چھِ وایرَسنٕے ژٲرمٕژ یہِ جاے اِسلیے اَسہِ چھِ ٹٮ۪سٹ کَرَن وٲلِس چھُ لٲزمی طور پٮ۪وان أتی سٮ۪مپٕل نیُن اَتھ چھُ وۄنۍ اِنِشلی ییٚلہِ یہِ سٮ۪مپلِنٛگ ٲس تھوڑا ٲسۍ ٹرٛینِنٛگ ہِنٛز ضوٚرَتھ وۄنۍ کوٚر اَسہِ واریاہ حَدَس تانۍ پَنُن عملہٕ ٹرٛین یہِ سٮ۪مپٕل نِنَس منٛز تاکہِ اَمہِ سۭتۍ یی نہٕ تکلیٖف واتہِ نہٕ پیشَنٹَس کینٛہہ بیٚیہِ تیُتُے یوت چھُنہٕ سٮ۪مپٕل نیُن گژھِ پَتہٕ تَمیُک ییٖلڈ سُہ گژھِ آسُن سُہ گژھِ فٲیدٕ تہِ دیُن یُس سُہ سٮ۪مپٕل نی سُہ گژھِ اَتھ چھِ ٹٮ۪کنیٖک آسان سٮ۪مپٕل نِنٕچ یہِ چھَنہٕ یہِ کہِ سَلٕے یٲژ چھِ یَتھ منٛز نَستہِ کِنۍ ترٛاوٕنۍ تٔمِس گژھِ یہِ وٲقفیت آسٕنۍ سٮ۪مپٕل سَلَے ترٛٲیِتھ پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھِ مےٚ یہِ أنٛدرٕ اَمِچ موٗمٮ۪نٛٹ کَرٕنۍ تاکہِ زیادٕ سے زیادٕ سٮ۪مپٕل ہٮ۪کہٕ بہٕ اَمہِ منٛز کٔڑِتھ تہٕ سُہ ہٮ۪کہٕ بہٕ ٹٮ۪سٹ وٲلِس سوٗزِتھ تاکہِ ٹٮ۪سٹ وول تہِ ہیٚکہِ اَسہِ پَتہٕ ایٚکاڈِنٛگلی رِپوٹ دِتھ یُس قٲبلہِ اعتبار آسہِ ڈاکٹر صاحب جیسا اِنہوں نے یہِ بات مطلب یہِ سٮ۪مپٕل اَنہِ کہِ حوالے سۭتۍ آز اگر بوٚڑ تہِ آسان تٔمِس تہِ چھِ وَنان ژےٚ چھُے ٹٮ۪سٹ کَرُن ژےٚ چھُے پَتہٕ یِتھ کٔنٮ۪تھ سَلَے ترٛاوٕنۍ معموٗلی اَتھ منٛز نَستہِ منٛز سُہ چھُ کھوژان حظ تو بچوں کی بات ہی نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے اس وقت جو سٹاف ہے جو جاتے ہیں ہر جگہ جو مطلب اس میں اس طرح کے سیمپلز وغیرہ جو کلیکٹ کرتے ہیں وہ ماہر ہوتے ہیں ان کو ٹریننگز وغیرہ دی جاتی ہے باضابطہ تو عوام سے ہم گزارش کرنا چاہیں گے کہ اس سلسلے میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اتنا ایسا کوئی معمہ ہے نہیں باہر سے ہی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ناک میں ڈالی جاتی ہے پھر وہ ٹیسٹ جو ہے ٹیسٹ کے لیے وہاں سے سیمپل نکالا جاتا ہے لیکن جب سرجریز کی جاتی ہے لیکن جب اگر کسی پیشنٹ کو کوئی اور ایشو ہوتا ہے تو اس دوران آپ سمجھ لیجئے کہ اس دوران اس کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن یہ جو اس کا ٹیسٹ ہے سیمپل لینے کا مسئلہ جو ہے یہ اتنا سنجیدہ نہیں ہے آپ سے اور ہم ملاقات کرتے ہیں ایک اور وقفے کے لیے رکتے ہیں ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیاں خوش ہے یہ آسمان زمین ہر طرف چھائے ہیں ہم یہ
ناظرین آپ واچ کریں ہمارا خصوصی شو ڈاکٹر سپیک آن کووڈ 19, اور آج کے ہمارے یہاں پہ جو مہمان تشریف رکھے ہوئے ہیں وہ ہیں ڈاکٹر مفتی محمود صاحب جو ریناؤنڈ یورولوجسٹ ہیں اور پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف سرجری ایس ایم ایچ اسپتال جی ایم سی سری نگر. جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا, آپ مختلف موضوعات کے حوالے سے ان سے سوالات پوچھ سکتے ہیں, سرجری سے ریلیٹڈ, میدے کی سرجری سے ریلیٹڈ, گال بلیڈر, ہیمرائڈ, پینکریاز, اسٹامک اور اس کے بغیر جو پروسٹیٹ ہے, پروسٹیٹ بیماری سے متعلق کوئی بھی سوال آپ پوچھ سکتے ہیں ہمارے آج کے مہمان سے. ہمارے ساتھ ایک کالر اس وقت لائن پہ موجود ہیں, سمیر احمد ہے پنتا چوک سے. سمیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں تو پہلے ڈی ڈی کے کو سری نگر کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ایسے پروگرام لا رہے ہیں جو پیپل فرینڈلی اور کافی اویئرنیس مل جاتی ہے ایسے لوگوں سے. شکریہ. تو ایسا ہے کہ ایک اور آپ سے گزارش ہے, ایسا میکینزم ہونا چاہیے کہ بار بار تقریباً میں آدھے گھنٹے سے ٹرائی کر رہا تھا لیکن فون نہیں مل رہا تھا آپ. جی. تو ابھی میرا سوال یہ ہے کہ 24 اپریل کو میں نے اپنی مسز کو ویکسین کرایا تھا, تو اس کے بعد 1 مئی آفٹر 7 ڈیز ان کے سمٹمز ظاہر ہو گئے, فیور, پتہ نہیں کھانسی, زکام, پتہ نہیں بار بار پیشاب آنا. اس کے بعد 2-4 دن کے بعد 5 مئی کو ہم نے ٹیسٹ کیا, وہ پازیٹیو تھا. تو آفٹر دیٹ وی ہیو شیئر ان ہاسپٹلائز فار 22 ڈیز ان جیل. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو ابھی ڈی سی مل گئی وہاں سے, 5-6 دن میں ابھی وہ گھر پہ ہیں. تو ہم نے کہا تھا 8-10 دن اس کو آکسیجن کنٹینیو رکھنا. تو ابھی ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ ہے کہ آکسیجن جو کنسنٹریٹ سیچوریشن ہے وہ کیسے ٹھیک ہوگی, کب تک آکسیجن کنٹینیو کرنا پڑے گا اور کب اسٹاپ کرنا پڑے گا؟ جی ہاں, جیسے سمیر صاحب آپ نے بات کی, ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے دیں گے, لیکن اس سے پہلے جو آپ نے سراہنا کی اس پروگرام کے حوالے سے, جو آپ نے کہا کہ یہ انیشیٹو جو ہے دوردرشن کی طرف سے لیا گیا, اس سلسلے میں جو آپ نے شکریہ ادا کیا, یہ شکریہ ہم یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, لیفٹنٹ گورنر انتظامیہ جو ہے, ان کی طرف سے بھی ہمیشہ یہی کوششیں ہیں کہ جو عوام ہے یو ٹی کا کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو ان کی دہلیز پر جہاں مختلف قسم کی سہولیات کی بہم رسانی کو یقینی بنانا ہے, وہیں اس پینڈیمک کے دوران جو آپ کے معاملات ہے, جو آپ کے مشکلات ہیں, جو آپ کے سوالات ہیں, ان سوالات کا گھر بیٹھے ہی آپ کو جواب دینا ہے اور ان مسائل کا ازالہ کرنا ہے. یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ جواب ان کا دے دیجیے آپ. سمیر صاحب پہلے تو میں مبارکباد دوں گا آپ کو کہ آپ کا پیشنٹ ریکور ہو کے ڈسچارج ہو کے خیر سے گھر چلا گیا. جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں اس کو وقتاً فوقتاً آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے جو آپ پوری کرتے ہیں آکسیجن کنسنٹریٹ کی وجہ سے. دیکھیں اس میں ایک میکینزم ڈیوائس کیا ہوا ہے پیشنٹ کا کہ مائلڈ, ماڈریٹ اور سیویئر. جب تک پیشنٹ ماڈریٹ یا سیویئر ہو تب تک اس کی ہاسپٹلائزیشن رہتی ہے, تب تک وہ آکسیجن سپورٹ پہ رہتا ہے, ان ایسنشیل ڈرگس جو کووڈ میں ضروری ہیں اس کے لیے ان پہ رہتے ہیں, پراپر مانیٹرنگ ہوتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جب لنگس ریکور کرنا شروع ہو جاتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ لنگ ڈیمیج کتنی ہو. جب ریکوری کی طرف لنگس آ جاتے ہیں تو یہ آکسیجن سپلائی جو ریکوائرمنٹ جو ہے یہ گریجولی کم ہو جاتی ہے, اور جب یہ 3 لیٹر یا 4 لیٹر اسی رینج میں آ جاتی ہے تو تب پیشنٹ کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو گھر لے لیجئے, ٹریٹمنٹ جو ہاسپٹل ٹریٹمنٹ تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے, اب آکسیجن چاہیے اس کو, آکسیجن آپ گھر میں اس کو دے سکتے ہیں. آج کل آکسیجن کنسنٹریٹرز رینٹ پہ بھی اویلیبل ہیں, کافی این جی اوز پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں کے آکسیجن کنسنٹریٹر. اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنی دیر چاہیے ہوگا, دیکھیے یہ کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ کتنی دیر ان کو آکسیجن چاہیے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ نیچرل پروسیس آف ریکوری ہے. جی. اور ریکوری ہر ایک پیشنٹ میں انڈیویجولائزڈ ہوتی ہے. جی. کسی کی ریکوری جلدی ہوتی ہے, کسی کی ریکوری تھوڑا ڈیلیڈ رہتی ہے. تو لیکن کیونکہ یہ ریکوری کی لائن پہ جا رہا ہے پیشنٹ, تو ہفتہ 10 دن میں انشاءاللہ ان کی آکسیجن سیچوریشن روم ایئر پہ بالکل ود ان ریزنیبل لمٹس رہے گی, تو ان کو آکسیجن کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ فاروق احمد صاحب بانڈی پورہ سے بات کریں. فاروق صاحب السلام علیکم. السلام علیکم صاحب. ہاں فاروق صاحب تو چھو ٹھیک صحت چھس ٹھیک الحمد للہ. فرمائی تو کیا چھو یسان زانون حظ سارے مین پر تائی مبارک تو چھو یہ پروگرام ٹی وی سبا انس سے وریا زان کر نیلا. شکریہ سارے مجھے عرض اس پر کہ فاروق احمد شہر شناگل سنان واری ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ. اہن حظ ونتو فاروق صاحب. سر اس بچ آج برو 3 بجے ترس ہسپٹل وچ اہن حظ تو پتہ دن لوگ تمس کمرس تو پہ نمس سہ بھر تقریباً 3 ورین اہن حظ
तो पत् सर फोन तेज इलाज सको ठीक तो पत् दुख करू तुम बेड रेस्ट सर सर तेज गरी कहान बेड रेस्ट तो मगर इस जन तेज खोवर दंग से सह मूवमेंट असल तो मगर इस पचिम दंग तेज खर्ची नुम यह उम की पांच है तो तुम कहान मूवमेंट कह मगर सो पकान वर्न तो ना नबर तो तेज मे दचिन दंग कहान नैसप मूवमेंट कहें सर मगर सर रस पे वह तकरीबन तकरीबन सर तुह फुट थो तो वह सर गि कुछ मे नबर मगर लोरिया पे ना बिचार तो मगर तुम कहान नैसप दंग दचिन मूवमेंट कहें उम जो तुम क्या विकनस मुआवनत कम कस्म यहां डाक्टर साहब नीश क्या यहां डाक्टर साहब तीन डॉक्टर साहब यह जानकारी दिखा कि सह अगर जन बेड रेस्ट वन सकता ठीक गूवमेंट बुझ जवाब तो डॉक्टर साहब वन जवाब तो अगर जरूरत पे लाइन पे रूज वो असली हे अम ज्यादा पेशेंट गोही कर सू डॉक्टर ये गोड पे वो यम सलाज चलान बह हे कयास कर या तो अमिस कमरस लगित पत रग रगन यह डैमेज गुम रग यह खराब गम तम वजह किन हेकान पूर पट पकित कर या अमिस अड़जन तुत फ्रैक्चर गुमत या डिसलोकेट गुमत यम वजह किन हे पकित कर डिपेंड करान यह डैमेज कमि नवीत रिकवरी से तथ पे दारमदार ये है कि तु हूँ यह बरजोल हस्पताल स्पेशलिस्ट आर्थोपेडिशनस हावित जनाब इन कंसल्टेशन विद न्यूरो सर्जन तिम हेकन एम सुंद पूर पट चॉक आउट करित ट्रीटमेंट तो रिकवरी फारूक साहब तो रिजु सोन प्रोग्राम वुछान ये प्रोग्राम आयन कि केंचन दोहन मंज अनवन आर्थोपेडिशन या इम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आसन अत आत बरजला हॉस्पिटलस मजन तो तिमन सीत हेकु तो तम साथ बे सवाल करित तो हेकि आत पूर पूटन जवाब मिलित कि आया फर्दर माच बे क्या करने जरूरत तो इरफान साहब हमारे साथ एक और कॉलर हैं इस वक्त लाइन पे जो चाडूरा से बात करना चाहते हैं चाडूरा से इरफान साहब बताइए कैसे हैं आप वालेकुम अस्सलाम क्या पूछना चाहते हैं इरफान साहब बताइए मैं तो सोत्र खरस लोगमुद पत करे मैं सर्जरी अहन तो अद दौरान करो पे टेस्ट क्या अत मज आ टेस्ट एच डी पी टी ओब्लिक ए एल टी अहन तो सह द्रा हाई पाँचन सिक्सटी सेवन जी डॉक्टर साहब अमे खुद क्या कर वो अगर पेशेंटस कंप्लेंट आइसोलेटेड अख रीडिंग अगर यी थोड़ा ज्यादा रेंज खुद ज्यादा तथ हे जो वजूहत या तो सर्जरी वज तु तम दवाइयात खेवान ऐसमित यम सी थोड़ा सा लिवर एंजाइम से रेज ग सह टेम्पररी फिनामिना आर्जी तौर ये तुम दवा तु बंद करव सो ग बिल्कुल नॉर्मल या तो यह एरर इन लैब क्योंकि जहरी तौर वो तय कह कि तम कस्म तकलीफ सजेस्ट कर कि ये रीडिंग हसा एबनॉर्मल सो जी पॉसिबिलिटीज हेकन या हि दवा खन के वजह सत सर्जरी वीज तमो दुत दवा थोड़ा सा चा मुफीद क्रहन माजस खतरे कह इसलिए लिवर एंजाइम्स थोड़ा सा बढ़ान तो सू टेम्पररी फिनामिना ये तुम दवा करू बंद तो सू यी बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे नाज़रीन आप हमारे साथ बने रहिए एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर खिदमत होते हैं मम्मी की छुटकी डैडी की गुड़िया पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया खट्टी मीठी बातें मस्ती मुलाकातें दिल में बसी सबके इस घर की हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश इस घर की बेटिया पढ़ता है खेलता है झूलता उछलता है दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रहता है आगे आगे बढ़ता है इंडिया अमूल दूध पीता है इंडिया। नाज़रीन आप वॉच करें हमारा खसूसी शो डॉक्टर सुपीक ऑन कोविड 19।
और आज हमारे यहाँ स्टूडियो में तशरीफ रखे हुए हैं डॉक्टर मुफ्ती महमूद साहब, जो रिनाउंड यूरोलॉजिस्ट हैं और प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी SMHS अस्पताल GMC श्रीनगर। एक और हमारे साथ कॉलर इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं, ये आदिल साहब बात कर रहे हैं कमरवारी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आदिल साहब फरमाइए, क्या आप बताना चाहते हैं? सर डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं। बिल्कुल बात कीजिए, मौजूद हैं डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मेरा इशू ये है कि मुझे एक साल से मुझे ना स्टोमक इशू है था जी। तो स्टोमक का क्या एसिड रिफ्लक्स होता था डॉक्टर साहब। अच्छा। फिर मैं लगभग एक साल से मुझे बहुत मतलब एंजाइटी भी हुआ, टेंशन भी हुआ बहुत इसका, मतलब मुझे कंटिन्यू इरिटेशन रहता था जी। तो अभी भी ऐसा ही लग रहा है, फील हो रहा है। मैं ऑलरेडी एंडोस्कोपी भी करवाया डॉक्टर साहब ने रखा था एक बार। अच्छा। तो वहां पे मुझे निकला इरोसो गैस्ट्राइट जी, और प्लस निकला था ये स्मॉल हायाटल हर्निया जी। तो उसका ट्रीटमेंट करते करते मतलब उन्होंने मुझे बहुत दवाई दी, मैं थक गया दवाई खाते खाते जी। बट एंटासिड मतलब मैं कंटिन्यू करूं कि नहीं, और प्लीज मुझे बता दीजिए। मुझे आज फील होता है अब एसिड रिफ्लक्स तो नहीं होता है जी। गैस्ट्राइट्स के लिए मैंने खाया वो किट उन्होंने दिया था, तो मैंने वो दो हफ्ते तक खाया। तो जो उन्होंने दवाई दी उससे आपको रिलीफ मिला कि नहीं मिला? मुझे लगता है 40% रिलीफ मिला, और उसके बाद मैं बीच बीच में दवाई खाने लगा, क्योंकि कहते हैं ना एंटासिड ज्यादा खाने से प्रॉब्लम होती है डॉक्टर साहब। आप क्या काम करते हैं? और मैं डॉक्टर साहब मैं जॉब करता हूँ जी। दिन को आप लंच खाते हैं? हाँ आराम से, मैं हर टाइम अपने अपने टाइम खाता हूँ, सैलेड भी खाता हूँ, सारा खाता हूँ। मगर मसला ये है डॉक्टर साहब जी, अभी मुझे प्रेजेंटली जो फील होता है स्टोमक का इरिटेशन क्या होता है, मुझे ना ये टाइटनेस फील होता है जब भी मैं बैठता हूँ, मुझे इतना टाइटनेस फील होता है जैसे मुझे कोई जकड़ रहा है, मुझे गांठ जैसा लगता है डॉक्टर साहब जी। ऐसा है कि इसको हम बोलते हैं रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस जी। रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस मैं समझाऊंगा ऐसे कि म्यादे में एसिड रहता है, नॉर्मली जो वो एसिड है जी उसको फॉलो करना है एक ही डायरेक्शन, ऊपर से नीचे तक। लेकिन कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ये ट्रांजिट मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाता है जी, और उस वजह से कुछ एसिड रिफ्लक्स करता है टुवर्ड्स इसोफेगस। बट इसोफेगस हार्डवर नहीं होता है। हाँ मैं एक्सप्लेन करूँ, जो आप एंडोस्कोपिक की फाइंडिंग्स बता रहे हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आपको एसिड रिफ्लक्स होता है इसोफेगस में। और जो आपने साथ में एक और बताया कि आपको हाइटस हर्निया है, हाइटस हर्निया की एक ये भी प्रेजेंटेशन है कि रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस होता है। और अब आप कहेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए इनिशियली माइल्ड मॉडरेट केसेस जो हैं जिनमें कुछ छोटे छोटे अल्सर्स हों इसोफेगस के अंदर जो लाइनिंग है उसमें, उसको हम कंजर्वेटिवली ट्रीट करते हैं, जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस एडवाइस करते हैं, ड्रग्स एडवाइस करते हैं। तो लेकिन मेजॉरिटी जो है वो रिलीव मिलता है उनको इन्हीं चीज़ों से। लेकिन अब सीवियर केसेस होते हैं, जैसे ये इसोफेजाइटिस अगर बढ़ता है तो ये स्ट्रिक्चर की नवियत पे आ सकता है। स्ट्रिक्चर मतलब ये इसोफेगस के जो ट्यूब है ये थोड़ा नैरो हो सकता है उस जगह, तो नेचुरली जब ये नैरो हो जाएगा तो आदमी सॉलिड्स अच्छे से नीचे नहीं पास कर पाएगा। तो अभी मैं खा पा रहा हूँ अच्छी तरह। हाँ, तो अभी जो मैं देख रहा हूँ कि आपकी हिस्ट्री के हिसाब से आपका माइल्ड टू मॉडरेट है जो मैनेज होता है ऑन ड्रग्स, और थोड़ा लाइफस्टाइल चेंजेस में है जो आपको गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने गालिबन समझाया ही होगा, और इसको आप गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए पीरियोडिकली। ऐसा नहीं है कि जब आप फील करते हैं सिम्टम फ्री हैं तो आप भूल जाएं इसको, लेकिन पीरियोडिकली मॉनिटरिंग करना जरूरी है जी। आदिल साहब जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको जवाब दे दिया, आदिल साहब के लिए भी हम ये कहना चाहेंगे और उन ऐसे तमाम लोगों के लिए और बीमारों के लिए हम कहना चाहेंगे जो स्टोमक से रिलेटेड कोई भी जिनका कोई इशू हो, कोई मामला हो, उस सिलसिले में अगर वो जानकारी लेना चाहते हैं कि हमारे यहाँ कल नहीं परसों थर्सडे को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है गेस्ट्रो के डॉक्टर शौकत कदला साहब, वो उस दिन यहाँ पे हाजिर मौजूद होंगे हमारे दूरदर्शन के स्टूडियो में। आप हमें मेल भी कर सकते हैं ऐसे इश्यूज, अगर आपका कोई मामला है जैसे आदिल साहब ने अभी बात की। हमारा मेल आईडी है हालात हाजरा @DDNews@gmail.com, उस पर आप हमें मेल कर सकते हैं और अपने जो आपके मामलात हैं
वो मामला आप लिख सकते हैं। इवन आप डॉक्टर साहब के साथ थर्सडे को उससे रिलेटेड जो भी इशू है स्टॉमक के रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं। एक दफ़ा फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा ईमेल आईडी है हालात हाजरा @doordarshan.com। तो इस तरह से जैसे डॉक्टर साहब आपने सुना, जैसे हमने बता दिया नाज़रीन को इस हवाले से स्टॉमक से रिलेटेड जो इनके इश्यूज होंगे, तो हमें ये बताइए आपके जो आपने सर्जरीज के हवाले से जो आपके इनिशिएटिव्स हैं। एक और कॉलर सजाद साहब यहाँ पे लाइन पे हैं, पहले उन्हीं को अटेंड कर लेते हैं। सजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सजाद साहब आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी यहाँ पे पहुंच रही है। जी सजाद साहब बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब को? जी सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब को कि मुझे एक्चुअली ना गैसेस हो रहे हैं, जब भी मैं कुछ खाना चाह रहा हूँ जी तो मुझे गैसेस हो रहा है। जी जब मुझे गैस हो रहा है तो वो सर वो हार्ट की तरफ जा रही है, मुझे हार्ट ना जरूरत तेज से उठ रहा है सर, तो मैं दवाई खा रहा हूँ कि मुझे मैंने बहुत सी दवाई खाई है, टेस्ट वगैरह भी किए, सब कुछ ठीक आ रहा है टेस्ट, मगर सर अभी तक मुझे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। ये वही बात है जैसे मोटिलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं स्टमक की हरकत थोड़ी कम हो जाती है और कंपाउंड हो जाता है इनडाइजेशन के साथ, तो गैस प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है तो स्टॉमक में जो है वो ब्लोटिंग हो जाती है। गैस्ट्रो से रिलेटेड गैस्ट्रो रिलेटेड है ब्लोटिंग होने की वजह से, जिसको हम कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं हार्ट बर्न। सो ये गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट कंसल्ट करना पड़ेगा सजाद साहब को, और गालिबन वो एंडोस्कोपी भी करेंगे और ट्रिपल टेस्ट करेंगे, देखेंगे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। कभी कभार बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से ये इनडाइजेशन के इश्यूज पैदा हो जाते हैं, और वो एंडोस्कोपी करके ही आपको ऑब्जेक्टिवली बता सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। जी जैसे अभी ये कॉलर जो है इन्होंने भी बात की यही गैस्ट्रो से रिलेटेड, हमने अभी बता दिया कि हमारे पास जो एचओडी जो है वो मौजूद रहेंगे यहाँ पे परसों, तो जो मेल आईडीज़ जो है मेल आईडीज़ हम नाज़रीन को दे रहे हैं उन मेल आईडीज़ पे आप लिख सकते हैं हमारे इश्यूज जो हैं, हम मेल आईडीज़ के हवाले से आपको बराबर लगातार बताते रहेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ये नाजिमा है जो त्राल से बात कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी नाजिमा जी आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद करें और सवाल पूछें अपना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि एक दो सालों से मुझे गैस में रिफ्लक्स का मसला है जी, तो इसके लिए डॉक्टर साहब मुझे कुछ सजेस्ट करते तो बहुत बेहतर रहेगा। जी डॉक्टर साहब हाँ देखिए ये ऑफ हैंड ट्रीटमेंट देना तो वाजिब नहीं है, लेकिन अगर आपकी स्टमक इश्यूज हैं तो इनको बाज़ाब्ता तौर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि किस लेवल के तकलीफात हैं, और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा, फिर ट्रीटमेंट मॉनिटर किया जाएगा कि आपका रिस्पांस कैसा आ रहा है। उसके लिए आपको मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि आपको गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। तो ये सर्जिकल इशू नहीं है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी का, ये मेडिकल इशू है जो मेडिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बखूबी इसको मैनेज कर पाएगा। जी मोहम्मद अशरफ साहब हमारे साथ एक कॉलर सुंबल से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहम्मद अशरफ साहब आप तक हमारी आवाज आ रही है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद अशरफ साहब फरमायो क्या छु असा जानन तु यस। जी मोहम्मद अशरफ साहब तो एतान छ सैन आवाज वातान हस आ क्या छु तो असा जानन जनाब। जी ये लाइन जो है ये लाइन कट गई, तो यावर साहब दूसरी लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यावर साहब कहाँ से बात करें? ईदगाह से। जी यावर साहब क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मेरी मामा सीएलडी से अभी प्रॉब्लम है, उनको क्रोनिक लिवर डिजीज, तो उनको COVID-19 वैक्सीनेशन कर सकते हैं क्या? है वो फिर जरा एक दफा फिर बताएं। मेरी मदर को क्रोनिक लिवर डिजीज बिल्कुल आप जवाब सुनिए डॉक्टर साहब बता। बिल्कुल आप कोविड वैक्सीन उन्हें कर सकते हैं, क्रॉनिक लिवर डिजीज कोई कंट्रा इंडिकेशन नहीं है वैक्सीनेशन के, इनफैक्ट
उनके लिए लाजमी है कि वैक्सीन करें, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता इन्फेक्शन हो गया तो वो उनके लिए ज़्यादा तकलीफ देह होगा, क्योंकि इम्यूनिटी कम है, रेजिस्टेंस कम है क्रॉनिक लिवर डिजीज़ की वजह से। इसलिए ये उस ग्रुप में आते हैं कि जिनको वैक्सीनेशन करनी चाहिए। जैसे ये वैक्सीनेशन के हवाले से जो बात अभी इन्होंने की, तो वैक्सीनेशन के हवाले से थोड़ा सा हम आपसे डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे, क्योंकि जो सर्जरीज वगैरह आप देखते हैं वहाँ पे, तो ये बताइए कि मतलब ये सर्जरी, ये वैक्सीनेशन जो है किस हद तक हमें मददगार साबित होगा? जैसा कि इस सिलसिले में बार बार कहा जाता है कि कोविड को कंट्रोल करना है, हमारे पास यही एक टूल है, यही एक हथियार है। तो जैसा कि कल भी कहा गया, कल भी इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन दी गई, जो हमारे मुल्क के आदरणीय वजीर आजम हैं, उन्होंने कहा कि अब तक जो है 23 करोड़ लोगों को कोविड मुखालिफ टीके जो है वो अभी तक लगाए गए। और ये भी कहा गया, आज हम नाज़रीन को एक दफ़ा फिर बताना चाहेंगे कि जो लोग हैं वैक्सीनेशन के हवाले से, वो आगे आए, सामने आए, क्योंकि वैक्सीन जो है, जिन लोगों को वैक्सीन दिया गया उन लोगों को अगर कहीं ना खुदा ना खास्ता ये कोविड लग गया तो सीवियरिटी उनमें नहीं देखी गई। जैसा आपने हॉस्पिटल में देखा, आपने अपने थिएटर्स में देखा, वैसे दो डोज जिन्होंने किए तो वो वैसा कोई केस ही थिएटर्स में नहीं आया जो हमारे पास रिपोर्ट्स वगैरह अभी हैं। तो अभी हमारे साथ एक और कॉलर इस वक्त लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप अपना नाम बताएं और कहाँ से बात कर रहे हैं जी? हाँ, आप कहाँ से बात कर रहे हैं जी? आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? हेलो जी, आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है जी? अभी उनके साथ हमारा रابطہ जो है रابطہ नहीं हो पा रहा है। जैसे हम बात कर रहे हैं, देखिए फयाज साहब, वैक्सीनेशन का ताल्लुक जहाँ से है, देखिए हर एक इंसान में इम्यून सिस्टम अल्लाह ताला ने रखा हुआ है जी। इस इम्यून सिस्टम को कुछ ट्रिगर होना चाहिए ताकि ये एक्टिवेट हो जाए जी। जैसे जो वैक्सीन है, वैक्सीन क्या चीज़ है? वैक्सीन वीकेंड वायरस है जी। दो किस्म के वैक्सीन हैं, एक तो आरएनए जिसमें एमआरएनए डिपेंडेंट वैक्सीन है, और दूसरा जिसमें एडिनो वायरस टैग्ड है जी। आम इंसान को मैं ऐसे बताऊंगा, जैसे ये कोरोना वायरस को हमने बिल्कुल वीकन कर दिया, कमज़ोर कर दिया। सही बात है, लेकिन कमज़ोर इस हद तक किया कि ये इन्फेक्शन नहीं कर सकता, ये नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन ये हमारे इम्यून सिस्टम को जगा सकता है। सही बात है, जो ही इम्यून सिस्टम इसको रिकग्नाइज करता है कि ये कोरोना वायरस, ये कुछ आउटसाइड इन्वेजन आ गया बॉडी में, तो वो सिग्नलिंग आती है उस इम्यून सिस्टम में और वो बनाते हैं इसके अगेंस्ट एक ड्राइविंग फोर्स जिनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। सही बात है, तो इंसान को नहीं लड़ना है, वो इम्यून सिस्टम के एंटीबॉडीज इसके लड़ते हैं। सही बात है, तो उस वजह से ये हो जाता है कि जो आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जूस हैं, उनको बचाव के लिए ये इम्यून सिस्टम, ये डिफेंस मैकेनिज्म आगे आ गया है वायरस को, वायरस से लड़ने के लिए जी। तो तभी तभी है एसेंशियल वैक्सीनेशन, क्योंकि वैक्सीनेशन ही इम्यून सिस्टम को जगाएगा। इम्यून सिस्टम जो जाग गया, जो एक्टिवेट हो गया, वो बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा जी। हमारे साथ डॉक्टर साहब ये एक कॉलर हैं, मदीहा जी बात कर रही हैं। कहाँ से बात कर रहे हैं मदीहा जी? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हम हैदराबाद से कॉल कर रहे हैं। हाँ फरमाइए, आप क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब को? हाँ डॉक्टर साहब, अस्सलामुअलैकुम जी। डॉक्टर साहब, ये अभी के पेशेंट हैं गुलाम कादिर बट, कई सालों से आपके पास आए थे, तो दोस्तों लास्ट अपॉइंटमेंट हमारी हुई है 10 अगस्त 2020, क्योंकि पेशेंट जम्मू में रहते हैं, यदि आपको रिमाइंड हो जाए कैसे। आपने उनको दवाई दी है क्लोरो डी जी, जो अभी ये लगभग काफी टाइम से खा रहे हैं, इससे पहले खा रहे थे सॉलिट्रॉल। तो अभी ये फ्लोरन डी जो है ये कभी टाइम काफी टाइम से खा रहे हैं, तो अभी जो ड्यूटी पैंडेमिक आ पा रहे हैं आपके पास, तो इसमें आप देखना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ चेंज आ सकती है, दवाई वगैरह चेंज नहीं करनी है। पेशेंट कैथेटर पे है या कैथेटर के बगैर है? नहीं, उसके बगैर है, अभी नॉर्मल है। तो यूरिन पास करते हैं ठीक से? जी बिल्कुल बिल्कुल, सारा क्लियर है। तो मैडम अभी कौन सी दवाई वो खाते हैं? अभी उनको तो क्रिएटिनिन की भी प्रॉब्लम है सर, वो क्रिएटिनिन की भी दवाई खा रहे हैं। नहीं नहीं, प्रोस्टेट की कौन सी दवाई खाते हैं? प्रोस्टेट से वो खाली क्लोनन डी हो रहे थे, वो इससे पहले आप
जी वो तो नहीं लगता है, वो अब काफी टाइम से मतलब ठीक हो गए। मुझे बताइए सिलोरन डी पे वो कंफर्टेबल हैं, जैसे रात को सोते हैं ठीक से दिन को? जी बिल्कुल सर, आराम कर सकते हैं, पर उनको कुछ टाइम से गैस हो गए हैं। देखिए जो 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 दवाई का तकाजा होता है, जब तक पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है और उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा रहता है। जी, क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब है जैसे वो रात को सोता है पीसफुली, वॉशरूम जाना नहीं पड़ता है, उसकी स्लीप डिस्टर्ब नहीं होती है, या अभी बैठा हुआ है कमरे में 10-10 मिनट के बाद वॉशरूम नहीं जाना पड़ता है, ही इज कंफर्टेबल एट द नेचर्स कॉल, ही गोज कंफर्टेबली, ही इज आउट एंड देन इज। तो इसको मैं बोलूंगा इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा है, और क्योंकि सिलोरॉन डी पे ये हैं, सिलोरॉन डी इनको सूट कर रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है मेडिकेशन चेंज करने की। सर एक और बात सर, उनके गैसेस काफी टाइम से हो रहे हैं, जो इनके नेफ्रोलॉजिस्ट है उन्होंने दिया था उनको नेक्सोप्रेस, बट वो सूट नहीं हो रहा है। मदिया जी, आपकी आपकी आवाज जो है ना, हम नहीं समझ पा रहे हैं आप क्या कहना चाहते हैं। सर मेरे कहने का मतलब है कि इनको जो गैसेस प्रॉब्लम हो रही है कुछ देर से, इनको गैसेस की प्रॉब्लम है जी, तो उसके लिए डॉक्टर साहब की कम जरूरत है कि कौन सी मेडिसिन वगैरह दे देंगे। देखिए उसमें जैसे मैंने पहले कॉलर को भी बताया कि आम इंसान के लिए गैसेस की प्रॉब्लम तो छोटी प्रॉब्लम लगती है, लेकिन छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी अपने कंसल्टेंट, अपने शोबे के डॉक्टर साहब से दिखाना चाहिए और उनके मशवरे से ही दवाई लेनी चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए, वो इनको एग्जामिन करके जाहिरी तौर थोड़ा इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे और वो ही प्रॉपर मेडिकेशन इनको देंगे एग्जामिनेशन के बाद ही। नाज़रीन जल्द लौटते हैं, एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं। मम्मी की छुट्टी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश इस घर की बेटियां। नाज़रीन आप वॉच कर रहे हैं हमारा खसूसी शो डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड 19, और आज हमारे यहाँ पे जो मेहमान डॉक्टर तशरीफ फरमा है वो हैं डॉक्टर मुफ्ती महमूद साहब। हमारे साथ लेह से एक कॉलर इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं, ये सरीन है, बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप? जी हाँ, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद करें और सवाल पूछें। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब से सवाल है कि मुझे गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है मेरे में। जी जी, जब जब भी कोई ठंडे पड़ता है ना उस वक्त मेरे में दर्द करते हैं। अच्छा, ठंडी जब हो जाता है उसके बाद उसी मेरे के साथ साथ पीछे पीठ में भी दर्द करता है एकदम दोनों तरफ, एक आगे छाती साइड में और पीठ साइड में डायरेक्ट, फिर उसकी बात बिल्कुल गले में जैसे कि फंस रहे कुछ ऐसे लग रहा है। जी, फिर उसके बाद हमने डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड किया सर, अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं निकला, डॉक्टर तो बोला सब कुछ ठीक है। जी, फिर वहां से कुछ ऐसे लोग देता है खाने के लिए। जी, फिर उसके बाद कभी ऐसे लोग देता है, कभी ओमेप्रेजल देता है जो गैस्ट्रिक का दवा होता है। जी, मगर उससे कुछ फर्क नहीं हो गया डॉक्टर साहब। कभी एंडोस्कोपी हुआ है आपका? एंडोस्कोपी भी किया, उसमें भी ठीक है। अच्छा, कभी जब ठंड लगता है ना एकदम हो जाता है, 2 साल से दवाई खा रहा है मगर उसका कोई असर ही नहीं हुआ। नहीं, आपने किसी माहिरीन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया है जो जैसे क्वालिफाइड हो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट? हमने तो फिजिशियन डॉक्टर को दिखाया था। नहीं, मेरी राय है कि आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि देखिए अब स्टमक की जो एलिमेंट्स हैं वो अब मखसूस नहीं रही है एसिडिटी और गैसेस के तक, उनमें काफ़ी इश्यूज अब स्टामक में पैदा हो गए हैं, जैसे स्टामक का काम करना एम्प्टिंग, स्टामक से जो खाना खारिज होता है वो टाइम पे होता है कि नहीं, ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है अब स्टामक के एलिमेंट्स का, और जाहिरी है कि जो नए सुपर स्पेशलिस्ट अब आए हुए हैं वो इन चीज़ों के ज़्यादा बेहतर इवेल्युएट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं,
अगर आपको दवाई से रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप माहरीन गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। जैसा कि अभी जो बहुत सारे कॉलर्स अभी आज के इस प्रोग्राम में आ गए, तो बहुत सारे इश्यूज इन्होंने मतलब जो उभारे, वो जो स्टोमक से रिलेटेड उभारे, जैसा कि हमने कहा कि हमारे पास इस सिलसिले में भी यहाँ पे माहिर जो हैं वो कल नहीं परसों यहाँ पे मौजूद रहेंगे, वो उस सिलसिले में जानकारी हासिल हम कोशिश करेंगे वहाँ पे स्टोमक से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, चाहे यही जो अभी एसिडिटी के हवाले से बात है, गैसेस के हवाले से बात है, वो हम हाईलाइट करेंगे। लेकिन एक दफ़ा फिर हम नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि अगर आप लिखना चाहेंगे, मेल करना चाहेंगे, आप हमें मेल कर सकते हैं और वो इशूज़ जो हैं, वो मामलात जो हैं, वो हम उस वक्त प्रोग्राम में उभारेंगे। जैसा कि कहा गया, हमारे मेल आईडीज़ हैं, एक दो मेल आईडीज़ हैं, उन पर आप लिख सकते हैं ddnews@gmail.com और हालात हाजरा ddnews@gmail.com। हमारे साथ मोहम्मद अशरफ सुम्बल से बात करना चाहते हैं। मोहम्मद अशरफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब मोहम्मद अशरफ साहब, क्या छू असा जानून अलहमदुल्ला जनाब जनाब मोहम्मद अशरफ डार अहन फरमाय तो जनाब जनाब सोन सवाल पट अहन अगर इंसान वायरस गमी अलामत क्या जनाब सोन सवाल जनाब क्या क्या वायरस एडमिशन गमी अलामत क्या जनाब अलामत अस आव समझ पूर पुठ तुज ना ये तु क्या तुज आवाज पूर पुठ तु वन तो ये लफज जो तुम वो आव समझ पूर पुठ अगर कम किस्म इन्फेक्शन अगर मोहम्मद अशरफ साहब तुज आवाज क्लियर कह इस तो इन्फेक्शन छू ना वनान मोहम्मद अशरफ साहब इस तो इन्फेक्शन छू ना वनान अगर ऐसा कहां इन्फेक्शन गैसी तमिच अलामत क्या है इन्फेक्शन इन्फेक्शन कथ गैस अगर इन्फेक्शन गैस इंसान इन्फेक्शन कमिच शा वायरस है कोविड 19 इच बना तू यस आना जना आना जना कोविड 19 वो चीज़ यस मतलब नेटवर्क जो नेटवर्क काम पर फायदा हाँ अच्छा सब बुझो 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 डॉक्टर साहब करन पूरे वजाहत आज की कोविड 19 इन्फेक्शन अगर इनसे अलामत परेशान है कोई समझ जो आज हाँ कोई इसमें तो इतनी भी मुझे आम तौर से कोविड 19 की इन्फेक्शन यूज़ शु इशू पेशेंट इस ताप खसान ताप छु रोजान दोन चुन दोन हाई फीवर छु खसान या हटिस छु दोद आसान या छु चास यवान इम छु क्लासिकल मगर वन एडिशनल चीज तेजन आसान जैसे नारियन जंगन दोद अचानक नफर इवान दपान मे नारियन जंगन दोद कमरस तुम दोद बुत तेकान रात तान उसुस ठीक या अड़न गसान डहरिया उस डहरिया दवा सत आम तौर ठीक सो अच्छ मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन मगर क्लासिकल फीवर चास तो बे मायल जहाज वगैरह टेस्ट पे गा ये अमि दादि नवियत थोड़ा सा बढ़ान पे अचानक वनान बेमार नस ना मे मजे ना मे मुशक तो यह गुतर यह टेस्ट स्मेल जनाब हाँ तो अमिक अलामत मगर कुन वीज कहान नलामत इस वे सेकंड वेवस मज व क्लासिकल प्रेजेंटेशन आई सेकंड वेवस मज कह पेशेंट मामूली जुकाम या उस यो नरन जंगन दोद तो अथ मज गई बेहकती तो जो त्रे दौ गई यह कौर इवेलवेट अमिस वो सी टी स्कैनस पे अमिस दोशवी साइड नमूनिया बिल्कुल और यह वोचमुत ज्यादातर यम यंग पेशेंट्स फर्स्ट वेवस मज ओल्डर पेशेंट्स यंग थोड़ा सा कम मुतासिर मगर सेकंड वेवस मज यंगर जनरेशन गई ज्यादा मुतासिर और इनफैक्ट गई वारियन हिज ये मौत तम दाद की वजह से तो इत कह असान कि यह मोहम्मद अशरफ साहब कहें डॉक्टर साहब फरमो कि जरूरत है वनकस कथिजन एस ओ पीज गाइडलाइंस तिमन पे पूरे पे अमल करना अतीका अस ब्या कॉलर बांडीपोरा पे असलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी अतीका जी क्या चुव यहां जानून मे कमरस तो जंग दौर मे ना जंग तक टोटल तुल त्र बह गई वहन डॉक्टर साहब नश तमो दे सर्जरी कर मगर मे ना टोटल ना बना नमन ना मे बना बिहन ना मे बना पकुन टोटल जंग तक मे तुल बना त्रा तो बस ना बेडरेस्ट मे थोड़ा सहूलियत हिश
یہ سرجری کیا اس ووت کم قسم سرجری دپان ژے دِتھ پرابلم تو ژٕ کر کمرس سرجری تو ژٕ دِیہِ ٹھیک جی ڈاکٹر صٲب تُہۍ مےٚ چھُ آسان یُس کَمرٕچ أڈِج چھِ آسان ہر کُنہِ کَمرٕچ أڈجہِ درمیان چھِ اللہ تعالیٰ ہن تھوٚمُت سُہ نِظام یَتھ أسۍ یہِ ہسا یہِ ترجیح دِمو شاک ایبزاربرٕکۍ پٲٹھۍ آسان أڈجہِ تہٕ أڈجہِ درمیان چھِ اکھ کاٹلیج یَتھ چھِ وَنان ڈِسک اِنٹر وٹیبرل ڈِسک یہِ چھِ اوٚور اے پیٖریڈ آف ٹایم گِسان ییٚلہِ یہِ گِسان چھِ یہِ چھُ تھوڑا اَمہِ پَنٕنہِ جایہِ پٮ۪ٹھ ڈَلان اَمہِ ڈَلنہٕ سۭتۍ چھِ یِم سایڈَس چھِ آسان یِم رَگہٕ وَسان برٛینہٕ پٮ۪ٹھ یِم سٕپاینَل کارڈ چھِ یِم رَگہٕ چھِ وَسان کانٛہہ رَگ چھِ یِمو مُتٲثر گژھان یِتھ کٔنۍ یِم وَنان چھِ کہِ زَنٛگہِ پٮ۪ٹھ چھُم نہٕ بَنان زَنٛگہِ چھُم دود آسان گوٚو اَصلی پرٛابلِم چھِ بیکَس منٛز ڈِسکَس منٛز یۄس علامات چھِ دِوان زَنٛگہِ دادِ یا یِمَن چھُنہٕ پَکنہٕ یِوان کیٚنٛہہ یُس اَتھ صوٗرتَس منٛز ییٚلہِ اِنسان سٕنٛز مےٚ ووٚن بہٕ وَنہٕ بیٚیہِ ییٚلہِ کالِٹی آف لایف مُتٲثر گژھِ مطلب یہِ ہیٚکہِ نہٕ ؤتھِتھ کٔرِتھ سَپوٹ بغٲر یا کُنہِ اَتھ صوٗرتَس منٛز چھُ پٮ۪وان اِنٹروِیٖن کَرُن سٔرجِری کَرٕنۍ یِم ہٮ۪کَن آرتھوپیڈِشَنَس یا نیوٗرو سٔرجَنَس آسہِ دۄیو منٛز کٲنٛسہِ تہِ کَنسَلٹ کٔرِتھ تہٕ آز چھُنہٕ پرٛابلِم کیٚنٛہہ آز چھِ نَوِ نَوِ ٹٮ۪کنیٖکٕس آمژٕ سٔرجِری کَرنٕکۍ سٔرجِری چھِ بِلکُل سیف تہٕ یِم گژھن ہفتَس دَہَن دۄہَن تانۍ صحتیاب تہٕ اِنشاء اللہ ہٮ۪کَن پنٛنٮ۪ن نَرٮ۪ن زَنٛگَن پٮ۪ٹھ ٹھیٖک پٲٹھۍ ڈاکٹر صاحب جو یہِ گال بٕلیڈَر یا باقٕے جو لَب لَبا ہے گال بٕلیڈَر یہِ جو سٔرجریٖز وغیرہ وہاں پے ابھی پینڈِنٛگ وغیرہ رہی تھی تو کیٛاہ ہے اس سِلسِلے میں کِس طرح کے سٹیپٕس وغیرہ ہے جو آپ کے ڈِپاٹمنٹ کی طرف سے لے جا رہے ہیں دیکھیے جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ جو ہمارا پروٹوکال ہے ہم اس وقت ایمرجنسیز اور میلیگنینسیز لیتے ہیں اور کچھ پیشنٹ جن کا بیماری اس نفیت کی ہو جو اگلے دو مہینے دو مہینوں تک ان کی جان پہ خطرہ پیدا ہو سکتا ہے اب کسی کو ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے تو ہم نے تو یہ پروٹوکال بنایا ہوا ہے میں نے آپ کو عرض کیا ہے وہ کیوں بنایا ہوا ہے یہ گلوبلی بنایا ہے یہ ہم نے نہیں خالی بنایا یہ گلوبلی بنا ہے کیونکہ ریسورس کنزرویشن کی وجہ سے لیکن اب جس کو گال بلیڈر میں سٹون ہے اس کے لیے تو وہ بیماری ہے وہ اس کے ذہن میں ایسا تو نہیں ہے کہ پینکریاٹکس میں یہ مبتلا ہو جاتے ہیں ایسے کچھ پیشنٹس پھر پینکریٹائٹس دیکھیں بہت وجوہات ہیں گال سٹون کے بغیر بھی بہت وجوہات ہیں پینکریٹائٹس تو پینکریٹائٹس ایک سیویئر ڈیزیز ہے اور وہ ایک ایمرجنسی کے حیثیت سے ہسپتال میں آتے ہیں یہ پینکریٹائٹس کے پیشنٹ ان کو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں اور ٹریٹ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کووڈ کے ڈر سے ہم ان کو ٹریٹمنٹ کرنا شروع نہیں کرتے ہیں ان کو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں باضابطہ اور ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور میجارٹی جو ہے ٹریٹمنٹ کے بعد صحتیاب گھر بھی چلے جاتے ہیں اب مسئلہ سرجری کا ہے سرجری ہم پیشنٹ ٹو پیشنٹ ایکچولی یہ ایسا ہوتا ہے کہ جنرلائز رول نہیں ہے کون سی سرجری کے لیے پیشنٹ ابھی تھوڑا سا ویٹ کر کیونکہ ابھی دیکھیے پیشنٹ کو معلوم نہیں ہے پیشنٹ کو آپ ہی بتائیں گے کہ کون سی ایسی سرجری ہے مطلب ییٚمہِ خٲطرٕ سُہ ہیٚکہِ پیٲرِتھ تہِ وَلہٕ حظ کیٚنٛہہ چھُنہٕ وٕنکیٚنَس چھُ پینڈیمِک چَلان وٕنکیٚس یِمو نہٕ وٕنکیٚس چھُ دَباو کَم ترٛاوُن ہاسپِٹَل کَرُکھ کَم کَرنا ہے تھوڑا سا اس کی وضاحت کیجیے ڈاکٹر صاحب وٕچھو بہٕ وَنان یہِ ہسا یہِ وٕنۍ زَن چھُ مِثال کے طور پر پیشنٛٹ چھُ تٔمِس چھُ تھوڑا سا اِنڈایجَشن پرٛابلِم أمۍ کَرنو اِنویسٹِگیٹ اَلٹرٛا ساوُنٛڈ وٲلۍ ہو أمِس ہَسا چھِ گال سٹون جی مگر گال بلیڈَر چھُ أمِس چھَنہٕ کانٛہہ کو موربِڈِٹی مطلب پیشنٛٹ چھُ اٮ۪پرنٹلی ہٮ۪لدی جی یہِ آو أمۍ نیوٗ اَسہِ نِش ڈیٹ گال سٹون اگر بَنے گال بلیڈَر چھُ کَڑُن جی وۄنۍ کیونکہ کووِڈ کہِ وجہ سۭتۍ یہِ گوٚو کووِڈ کہِ وجہ سۭتۍ گوٚو یہِ ڈِلے جی تہٕ ییٚلہِ أسۍ وۄنۍ رِزیوٗ یہِ پیشنٛٹ ہٮ۪کو أسۍ یہِ ہسا یہِ بیک لاگَس منٛز تِکیٛازِ أمِس چھَنہٕ تِژھ پرٛیارٹی کیٚنٛہہ یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ مینیج کٔرِتھ باے اَدَر میٖنٕز اِسکو ہم دوایہِ پے رکھ سکتے ہیں اس کو ہم ڈایٹری ریسٹرکشن دے سکتے ہیں تو جب تک اس کی وہ حالات سدھر جائیں کہ سرجری نارملی ریزیوم ہو جائے تب تک ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک اور کال اس وقت لائن پہ موجود ہیں السلام علیکم السلام علیکم جناب محمد شفیع صاحب کیا چھو اسان تو زانن اس ڈاکٹر صاحب جی اسا تو ایت فیا صاحب کے پتوا 15 بجے تک تو ہلو کلینک ریڈیو اس بوزان اہن اس بی چھو یہ پروگرام تے ہتی بوزا تقریبا 15 بجے تے اتے شکریہ مگر یتھے ڈاکٹر صاحبن پروگرام تے بوزا اخ ڈاکٹر صاحب چھ ایوان دپا جے ہوک سینما تے چھ ان تے جے چم سات بی تو چھ ایوان ڈاکٹر نہ تے ہوکم چھ چم نہ تے چم کی راتھی راتھی اوترے واس اخ ڈاکٹر صاحب ہارٹ تے ون کھنڈ سے جاتا ہے ہارٹ اٹیک جاتا ہے پتہ یہ بیاکھ ڈاکٹر سہ ونان ہے کھنڈ سے نہ سا چھ کہین گژھان شُگر نہ سا چھ گژھان
یہ کن اتو ڈاکٹر زرگر صاحب تم وون بہ سا چھس گرچہ ہوں سین ہوکنا ہچو سنو سی نسا چھ کھین گا اخ ڈاکٹر صاحب آو اکہ تم وون آنچار سی نسا چھ کھین گا کتری مز بھرو تھی ٹرامس مز بھرو تھی بی آنچار سی بیا ڈاکٹر سہ وا ہے آنچار سی ہسا کینسر گا امو ڈاکٹر صبن پانو تال میل کھین انسان پریشان گا ول کرو تو کرو کیا تو یہ بہت ڈاکٹر صبن یسان ون کہ تہ چھو نا پانو یہ کتاب یکجا پھرم کھین تین تھی چھو الگ الگ پڑھا محمد محمد شفیع صاحب تھی روزیو لائن پہ لائن پہ روزیو تو اس دمو تھی جواب دپان دپان محمد شفیع صاحب یت متعلق انسانس علم آسہ پتہ آسہ تھی بوزو یوت اس کیا ون تک متعلق پہ انسانس رائے دن یعنی یم سات کم مکان بناون ات مکانس خاطر کارگر آسان امس کارگرس سارے چیزن ہن پتہ آسان ہو چیز کتن لگ یہ کتن لگ یہ کتن لگ یتھے کن کھین چنک چیز کھین چین کس چیزس پریت کن چیزس پن پن ویلو کن چیزس مجھ چیز آسان گازر ات مجھ طاقت یتھے کن بیاکھ چیز تر مجھ بیاکھ طاقت کھنڈس پن نقصان نونس پن نقصان یہ ہیک ونت کی یہ ہوں نا تھی جناب محمد شفیع صاحب ونت کی یہ ہوں ماہری ونت یم زن ڈاکٹر صاحب یور زانا وچھ تم سات اہم سات سرجری ہند زن ہارٹک ماہر بیمار ہارٹ کہ بیمار ہند ماہر اس زن تم وون دون نون نا بن سالٹ نا بن زیادہ استعمال کرنڈ گئی نا ذکر کی بوجھو عرض بوجھو پروگرام بوز تمو وون نونس متعلق یم سات ماہرس کت کرو ماہر ون اہس باضابط پہ یم چیز تو بہرحال یہ ماہر تہ دیوان یور مطلب رائے دیوان تات پہ کرو تھی عمل باقی چھن دون مز مطلب ڈاکٹر صبن مز زن اخ ڈاکٹر صاحب اخ رائے ونان بیاکھ بیاکھ رائے ونان یہ شاید اسی مز سمجھنس مز تھوڑا سا کتن تان کمی گژھان محمد شفیع صاحبس کلیرفکیشن ضرورت بہت اگر یہندی جائے آس بہت کر یہ تھوڑا سمجھوک رائے کر بہت قائم وچھو کانہہ پرہیز یا کانہہ ریسٹرکشن یا کانہہ رائے چھنہ قائم یوان کرنہ پور قومس خاطر یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ کرنہ قائم اگر زن ون ونکینس پیشنٹ آو مے برزلیک ام سن دادچ نویت چھ اک قسم یت امس بہ ون یہ چیز کھیجن کی ہو چیز کھیجن کی یہ کھیجی یہ کھیجی پتن زن آو مے بیاکھ خانیار پہ امس مختلف نویت دادچ امس ون بہ نہ یہ چھ پرہیز کرن کی صرف کھیجی یہ اخ آئٹم کھیجن کی گو یہ کہ ڈاکٹر کنفیوز کران سوسائٹی مز لکن کہ یہ کرو بند ہت کرو بند یہ کرو بند یہ انڈیوجلائز ڈاکٹر صاحب دود یہ دادک علاج ٹیلر میڈ اتھے کن پرہیز تہ ٹیلر میڈ یہ جنرلائز کی جی جی ڈاکٹر صاحب یہ جو محمد شفیع صاحب نے نقطہ ابھارا اس پہ بھی اور بھی ہم بات کریں گے ایک اور کالر ہمارے ساتھ اس وقت خوشبو صاحبہ یہ ہمارے آخری کالر ہیں بات کر رہی ہیں جو ترال سے بات کر رہی ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی خوشبو صاحبہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں جو میری مام ہے نا جی اس کو کھجلی ہوتی ہے بہت ساری وہ رو پڑتی ہے آنکھوں میں بھی اس کے لال ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں لال لال ہو جاتی آنکھیں ہاں آنکھیں اور ان کو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے دو مہینے ہو گئے دیکھیے جو آپ کے جو آپ نے ماما کے بارے میں کمپلینٹس بتائی آنکھ لال ہونا یا کھجلی آنا میری سمجھ سے یہ ہے کہ یہ کسی چیز کی الرجی ہے ان کو جی اب یہ کس چیز کی الرجی ہے یہ ڈیفائن کرے گا ڈرمٹالوجسٹ کیونکہ ان کے پاس یارڈ سٹک ہے دیکھنے کے لیے کہ آیا کہ یہ پولن الرجی ہے یا کسی کپڑے کی وجہ سے الرجی ہے یا کمرے میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ان کو الرجی ہے میرا مشورہ ہے کہ آپ جو ڈرمٹالوجسٹ ہیں ان سے رابطہ قائم کر لیجئے پیشنٹ کو دکھائیے ان کو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا خوشبو صاحبہ آپ ہمارا پروگرام بھی دیکھتے رہیے ہم ان قریب جو ڈرمٹالوجسٹ ہے اس کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے تو ایسے سوالات جو ہے ان کا بھی جواب مل جائے گا جیسے محمد شفیع صاحب کا سوال جو ہے ایک تو تھوڑا سا اس میں اضافت کیجیے دوسرا اپنا میسج دے دیجیے ڈاکٹر صاحب دیکھیں اس وقت میسج تو ایک ہی ہے کووڈ سے بچنے کا جی کووڈ نے
पूरा 360 डिग्री टर्न किया पूरी दुनिया को। लेकिन अब हाँ, दूसरी बात ये मैं देख रहा हूँ कि लोग सिर्फ पेसिमिस्टिक आइडियाज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब जिसमें से व्हाट्सएप पे काफ़ी वीडियोज़ आते हैं, काफ़ी मैसेजेज आते हैं जो इंसान के जो दिमागी तवाज़ुन है वो पीछे ही ले जाता है जी। मतलब वो फ्यूचर की तरफ नहीं देख रहा है, वो पास्ट की तरफ देख रहा है। देखिए, पहले भी पैंडेमिक्स आए हुए हैं, लोगों ने पैंडेमिक्स को फेस किया है और उसके बाद डेवलपर्स भी हो गए जी, जी। उसके बाद काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस भी हो गई हैं। हम भी इंशाल्लाह इस मरहले से कामयाब होकर निकलेंगे जी, जी। हर इंसान को एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, अपनाने की जरूरत, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बीमारी को फेस करना, उसको चैलेंज करना बहुत हद तक डिपेंडेंट है आपका विल पावर, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। डॉक्टर, बॉडी रेस्पॉन्ड करती है एटीट्यूड को, अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो बॉडी वैसे ही रेस्पॉन्ड करेगी। बिल्कुल सही फरमाया। तो मेहरबानी करके पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और अपना लाइफस्टाइल जो है वैसे ही अडॉप्ट कीजिए जो आजकल रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल सही। जैसे ट्रैफिक में आपको साइड पे चलना है, फुटपाथ पे चलना है, बीच रास्ते में नहीं चलना है, ऐसे ही कोविड में आपको अपने SOPs फॉलो करने। डॉक्टर मुफ्ती महमूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका डिपार्टमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ से आ गए, यहाँ आपने तशरीफ लाया, हमारे नाज़रीन को आपने सलाह दी, एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फयाज साहब, आपने मुझे बुलाया इस प्रोग्राम पे। मैं तो ये कहूँगा दूरदर्शन एक कमेंडेबल जॉब कर रहा है। थैंक यू। और जिसमें भी जिसमें डॉक्टर लोगों का ताउन जितना भी आपको चाहिए तो वो इंशाल्लाह आपको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कहना चाहेंगे कि कल यहाँ पे हमारे स्टूडियो में डॉक्टर मुजम्मिल लतीफ़ जो नेफ्रोलॉजिस्ट है वो मौजूद रहेंगे और आप अपने सवालात उनसे कल पूछ सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।